अमीर और गरीब बहू की ठंड। मोर मनोरथ जानू ही नी के, बसहू सदा उर पुर ही के। हे भगवान, बस इतनी दया कर दो कि मेरे रवि का रिश्ता किसी पैसे वाले के घर में हो, ताकि मेरी बहू लाखों का दहेज लेकर आए और मैं राज कर सकूं। इसके बाद पुष्पा अपनी पूजा की थाली लिए घर लौटती है। बाप रे बाप, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। उफ, हाथ पांव जमने को हो रहे हैं। अरे ओ बबीता, जल्दी से एक कप गरम गरम चाय बना कर ला। हायरी, ये मर जानी ठंड कहाँ से कहाँ। मैं इस कड़के की ठंड में मंदिर चली गई। तभी अखबार पढ़ रहे राम प्रसाद कहते हैं, अरे तो किसने कहा था तुम्हें इतनी ठंड में मंदिर जाने को भाग्यवान? वैसे आज क्या मांगा? माँ जी, चाय। अरे मांगू नहीं, भगवान से तो क्या करूं, तुम्हारी तरह गरीबों से रिश्ता तोड़ लूं। कितना कहा था मैंने, मगर तुम्हारी तो मत मारी गई थी, जो इस निगोड़ी को बहू बना ले आए। एक तो इसके गरीब भिख मांगे माँ बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस एक जोड़ी में विदा करके अपना पल्ला छुड़ा लिया। ये सुनकर बेचारी गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी गुस्से में पुष्पा उस पर चढ़ जाती है। क्यों री मुई, ऐसे घूर घूर कर क्या देखती है, खाएगी क्या? माँ, मेरी चोटी बांध दो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। आंखों में आंसू लेकर बबीता अनु के पास आती है। अनु उसके आंसू पोंछ कर कहती है, मत रो माँ, चुप हो जाओ, बस एक बार मुझे बड़ी हो जाने दो, मैं पढ़ लिख कर दादी को पैसे दे दूंगी, फिर वो दहेज के लिए तुम्हें ताने नहीं देंगी और अत्याचार भी नहीं करेंगी। हाँ मेरी बच्ची। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं और रवि का रिश्ता एक बड़े अमीर ऊंचे पैसे वाले घर में लग जाता है और ईशा बहुत सारा दहेज लेकर आती है, जिसके बाद से तो पुष्पा उसी के गुण गाने लगती है। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। उफ मम्मी जी, हो गया ना स्वागत। रवि, हमारा बेडरूम कहाँ है, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ रवि बेटा, बहू को ले जा। जी माँ, चलो ईशा। इसलिए कि ईशा अपने साथ दहेज लेकर आई थी, पुष्पा ना सिर्फ उसके नखरे उठाती है बल्कि उसे पलकों पर बिठा कर रखती है। और वहीं गरीब घर से होने के चलते बबीता की शादी के पहले दिन से ही 8 साल बाद भी अभी तक अत्याचार झेलने पड़ते हैं और धीरे धीरे अब सर्दियां भी शुरू हो जाती है। मम्मी जी, अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी नाश्ता नहीं बना? मैंने तो उस मरजानी को कब का नाश्ता बनाने को बोला था, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है, तो नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा देना। एक तो यहाँ हॉल में हीटर भी नहीं लगा, कितनी ठंड है, एक हीटर लगाने की भी औकात नहीं, गरीब लोग। ईशा बड़बड़ाकर कमरे में चली जाती है। ये बात पुष्पा को बहुत खटकती है, जिसका गुस्सा भी बेचारी बबीता पर निकालती है। अरे ओ गरीब की बेटी, अभी तक तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए, हाँ अब कब नाश्ता बनाएगी, जब मेरी ईशा बहू की भूख मर जाएगी। बस बनाने ही जा रही हूँ माँ जी, वो पानी बर्फ जितना ठंडा है, बर्तन मांजने में हाथ जमने को हो रहे हैं, पानी गर्म करने के लिए एक रॉड मंगवा दीजिए। क्यों रे भिख मंगन, तेरे भिखारी मायके वाले क्या पैसे भेजे थे? अपने गरीब घर में तो ठंडे पानी से बर्तन कपड़े धोती होगी, यहाँ महारानी को गर्म पानी चाहिए। ये तो तुझ गरीब की किस्मत है, जो तुझे इस घर में चूल्हा नहीं झोंकना पड़ रहा, इतना राज क्या कम है? ये सुनकर बबीता की आंखें भीग जाती है। ऐसा भी क्या राज कर रही हूँ मैं माँ जी, और इतने सालों में आपने मुझ गरीब को क्या राज दिया है, दिन भर एक पांव पर नाचती हूँ, न तन पर ढंग से कपड़े है न एक गहने, बस। अच्छा, और तुझे खिलाता क्या तेरा बाप है? माँ जी, मैं दिन रात इस घर में काम करती, बदले में आप मुझे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी देकर एहसान नहीं कर रही मुझ गरीब पर। पुष्पा बबीता को जोरदार थप्पड़ मारती है। 2 कौड़ी की गरीब भिखारी की बेटी, औकात एक पैसे की नहीं, मुझसे जुबान लड़ाती है। आने दे आज पप्पू को, तब देख, बड़ी ठंड लग रही है ना तुझे? क्यों भगवान, आखिर तूने मुझ गरीब बहू की किस्मत में क्या लिखा है? एक बेटी बहू क्या बनती है, उसकी जिंदगी ऐसी बदल जाती है। रात में पप्पू जब आता है तो पुष्पा उसे भड़का देती है
बबीता जैसे ही कमरे में आती है, पप्पू उसे बिस्तर से लात मारकर गिरा देता है। आह, माँ जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? ज्यादा नाटक मत कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बराबरी जुबान लड़ाने की? साली गरीब की बेटी, बहुत ठंड लगती है ना तुझे? आज से तू और तेरी बेटी ठंड बीतने तक इसी जमीन पर सोना, क्योंकि ये पलंग मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया था मुझे। बबीता रात भर ठंड में सर्द भरी जमीन पर सोती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, क्या करूं मेरी बच्ची। बबीता एक बोरी लाकर अनु को ओढ़ा देती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, मेरे लिए एक नई रजाई भरवा दीजिए। पर बहू, अभी तेरी शादी से पहले ही मैंने वो रजाई भरवाई थी, मगर वो एकदम पतली है, इसमें मेरी ठंड नहीं जाती, इसलिए मुझे नई रजाई चाहिए। और हाँ, मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, उसे ठीक करा दीजिए। उफ, एक और नया खर्चा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अपनी अमीर बहू की फरमाइश पर पुष्पा उसी दिन बाथरूम में नया गीजर लगवा देती है और महंगी रजाई भरवा देती है। मगर अभी गरीब बहू के तन पर एक स्वेटर तक नहीं था। वो ठंड में ठिठुरती रहती है और भरी ठंड में भी सुबह उठकर ठंडे पानी से काम करती है। वहीं अमीर बहू सारा दिन रजाई में पड़ी पड़ी ऑर्डर देती है। उफ, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये ठंडी ठंडी हवाएं तो हड्डियों में तीर की तरह चुभ रही है। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए बाजार से एक आधा स्वेटर मंगवा दीजिए, अब ये ठंड और नहीं झेली जा रही। मैंने तुझे दो स्वेटर खरीद कर तो दे रखे हैं, उसे क्यों नहीं पहनती? हाँ माँ जी, इतने सालों में आपने बस वही दो स्वेटर तो मुझे खरीद कर दिए थे, हर साल मैं उसे ही जगह जगह पर सी कर पहनती हूँ, अब तो वो भी बिल्कुल ही फट गए हैं, पहनने लायक भी नहीं बचे। सच जेठानी जी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, एक स्वेटर भी नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, तुम यहीं रुको। ईशा अपने कमरे में जाती है और एक पुराना स्वेटर लाकर बबीता के मुंह पर फेंक कर घमंड से कहती है, ये लो, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारी अमीर देवरानी ने तुम्हें अपना स्वेटर दिया है। वो क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, वैसे शादी से पहले तक मैं अपने सर्दी के पुराने कपड़े गरीबों में बांट देती थी, पर अब जब घर में ही रेडीमेड गरीब है तो ठंड में बाहर क्यों जाना। अपने आत्मसम्मान को यूं तार तार होता देखकर बबीता की आंखें भर आती है, मगर रूह कपा देने वाली ठंड को देखकर बबीता वो स्वेटर पहन लेती है। तभी, अरे ओ मेरी गरीब बहू, चल अब जल्दी से अंगीठी में आग जला दे, और हाँ, मेरे कमरे में गजक और मूंगफली रखी है, लेकर आ। जी माँ जी। बबीता ठंड में कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर आग जलाती है और दोनों अमीर सास बहू आग तापते हुए मूंगफली और गजक खाते हैं। अनु ललचाई आंखों से हाथ बढ़ाकर कहती है, दादी दादी, मुझे भी गजक खाना है, एक मुझे भी दे दो। अमीरी के घमंड में ईशा उसे धक्का दे देती है, कोई मूंगफली नहीं मिलेगी तुझे, समझी, चल भाग यहाँ से। माँ, चाची बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे धक्का मारा। अरे कैसे कलेजा है तुम्हारा पुष्पा, पोती सामने खड़ी होकर तुमसे कुछ मांग रही है और तुम देख भी नहीं रही हो। अरे ये क्या, मुझे सोने का झूला लगाएगी जो इसे खिलाऊं? वैसे मम्मी जी, सर्दियों में आग तापते हुए मूंगफली और गजक खाने का मजा ही अलग है। अच्छा सुनो मेरी गरीब जेठानी जी, शाम को मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाना। बबीता किचन में जाने लगती है, तभी अचानक अंगीठी की आग पुष्पा के शॉल में पकड़ लेती है। आग आग, हरीशा बहू मुझे बचाओ, पहले अपनी जान बचाई। अपनी जान बचाने के लिए अमीर बहू अपनी सास को आग में छोड़ देती है। तभी बबीता दौड़ कर आती है और शॉल में लगी आग को अपने हाथों से बुझाने लगती है, जिससे पुष्पा की जान तो बच जाती है, मगर बबीता का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। इसके बाद पुष्पा की आँख खुलते देर नहीं लगती, वो अपने किए पर पछताते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे हमेशा गरीबी का ताना देती रही, गालियां देती रही, मगर आज तूने मुझे बचाया है, वरना तो। इस पर बबीता का भी दिल भर आता है और वो अपनी सास के आंसू पोंछती है। उस दिन से पुष्पा का अपनी गरीब बहू के लिए बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। ईशा भी उसके साथ मिलजुल कर काम करवाने लगती है। सौदामिनी, आखिर तू भी सास बन गई है, वो भी एक साथ पांच पांच बहू की। सौदामिनी हाथों में आरती लिए अपनी बहुओं के स्वागत में खड़ी है। तभी एक एक करके
तीन बड़ी ही महंगी लंबी गाड़ी लाइन से उसके दरवाजे के बाहर आकर रुकती हैं, जिसमें से उसकी तीन गोरी बहुएं दिव्या, तारा और स्वाति उतरती हैं। उनके पीछे एक पुरानी सी डोली से घूंघट किए पूनम और बबिता उतरती हैं। तभी, अरे ये क्या सौदामिनी, तुम्हारी तीन बहुएं तो इतनी महंगी गाड़ी से उतरी और बाकी दो डोली से, और देखो कहां डोली लेकर पुर हो गई है, डोली भी भाड़े की थी क्या। ये विमला मरजानी तो बस दूसरों के घर में मजे लेने के लिए घुस आती है। सौदामिनी पांच कलश अपनी पांचों बहुओं के आगे रखकर उनका गृह प्रवेश कराती हैं। तभी विमला कहती है, अरे सौदामिनी अब अपनी बहुओं का मुंह भी दिखा दे, हम भी तो देखें कैसी बहुएं उतारी हैं तूने। अगर विमला ने घूंघट उठा लिया तो मेरी दोनों काली बहू को देख लेंगी और फिर घर घर जाकर ढोल पीट देगी, और फिर मेरी इन दोनों काली कलूटी बैंगल नूटी बहू के चलते मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे विमला मेरी बहुएं कहीं भागी थोड़ी जा रही है, यही तो है, कल आकर देख लेना, मुंह देखना ना बेचारी कितनी थक गई है। सौदामिनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू बहुओं का मुंह दिखाना ही नहीं चाहती, बहू काली तो नहीं। स्वाति, दिव्या, तारा जरा विमला को मुंह दिखा दो। तीनों गोरी बहुएं घूंघट उठाती हैं, तभी घमंड करती हुई सौदामिनी बोलती है, विमला लगता है मेरी तीनों गोरी बहुरानियों को देखकर तू तो बुरी तरह से जल गई। सभी के चले जाने के बाद सौदामिनी अपनी दोनों काली बहू को घूरती हुई जनक से कहती है, पता नहीं क्या देखकर तुमने इन दोनों को बहू बनाया, मती मारी गई थी तुम्हारी, इनके गरीब बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अरे बस भी करो, भगवान जब देखो पैसों के पीछे भागती रहती हो। जनक सौदामिनी को झाड़कर वहां से चले जाते हैं, जिसका बदला सौदामिनी अपनी काली बहुओं के साथ निकालती है और दोनों बेचारियों से नौकरों की तरह काम कराती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और दोनों गर्भवती हो जाती हैं। माँ जी, मैं और बबीता दीदी माँ बनने वाली हैं, आप दादी बनने वाली हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। तभी सौदामिनी पांव पीछे खींचकर पूनम को झाड़ देती है, हट जाओ दोनों मेरे आगे से, जाकर गिरा दो इस बच्चे को। क्या, मगर हम अपना बच्चा क्यों गिराए माँ जी? अरे तो काले बच्चे पैदा करके क्या चार डालोगी? हाँ। सौदामिनी अपनी दोनों काली बहू को बच्चा गिराने के लिए पूरा जोर करती है, मगर वह मना कर देती है। थोड़े दिन में स्वाति, दिव्या और पवित्रा भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसे ही दो तीन महीने बीत जाते हैं, अब सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं। स्वाति बहू, दिव्या बहू, पवित्रा बहू, देखो अब ठंड पड़ने लगी है, इसीलिए आज तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलना, तुम्हारे लिए गरम शॉल स्वेटर खरीदना है। माँ जी चाय। माँ जी मेरे और पूनम के पास भी एक भी स्वेटर नहीं है, एक आधा स्वेटर हमें भी दिला देना। क्यों री मेरी काली बहू, तेरे गरीब भिकमंगे मायके वालों ने मुझे क्या नोट भिजवाए हैं, ऐसे ही ठंड में सड़ती रहो दोनों। कभी कभी ना मुझे तुम दोनों को बिचारियों को देखकर बहुत बुरा लगता है, मगर तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, तुम दोनों की औकात ही यही है। सासू माँ, बिग बाजार में ना बहुत ही यूनिक ब्रांडेड स्वेटर मिलते हैं, हम वहीं से स्वेटर खरीदेंगे, क्योंकि अरे गहरे दुकानों की चीज ना हमें सूट नहीं करती, हमें ब्रांडेड स्वेटर पहनने की आदत है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम तीनों क्यों चिंता करती हो, तुम तीनों का पहला बच्चा और ठंड भी तुम्हें कोई परेशानी थोड़े होने दूंगी। वैसे मैंने गद्दे बनवाने वाले को रजाई भरने भी दे रखा है, एक आध दिन में आ जाएगा, फिर रजाई में तुम्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। बबीता दीदी, माँ जी हम दोनों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रही हैं, हमारा भी तो ये पहला बच्चा है, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है पूनम, और किस्मत को बदला नहीं जा सकता। जहां सौदामिनी अपनी गोरी बहुओं को हर हफ्ते प्राइवेट अस्पताल में दिखाती है और उनके कमरों को फल फ्रूट से भर देती है, वहीं दोनों काली बहू ठंड में बिना शॉल स्वेटर के सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में लगकर डिलीवरी कार्ड बनवाती हैं। जहां बबीता को पता चलता है कि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, अब पांचों को 6-7 महीने लग जाते हैं। उफ, कितनी ठंड पड़ रही है। मम्मी जी ये क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना, इन दोनों को पता होना चाहिए कि हम तीनों माँ बनने वाली हैं, हमें सुबह होती ही भूख लग जाती है, फिर भी दोनों काम चोरी करती हैं। अरे ओ मेरी काली कलूटी बहुओं, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और नाश्ता बनाकर ले आओ। लो बहू, तब तक तुम तीनों ये लड्डू खाओ, मैंने तुम तीनों के लिए बनाए हैं, वो भी देसी घी में।
वाओ सासू माँ, ये लड्डू तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट भी। ये गोंद के लड्डू हैं, तुम तीनों इसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी और बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होंगे। ये गोंद के लड्डू गर्म होते हैं, इसीलिए इसे सर्दियों में ही खाया जाता है। इतने में बबीता और पूनम नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती हैं। तभी तीनों गोरी बहुएं उन्हें ललचा ललचा कर लड्डू खाती हैं। सच में जाजुमा, आप तो हमसे भी बढ़कर हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रख रही हैं। क्यों ना रखू, मेरे खानदान का नाम तो वही बढ़ाएंगे। माँ जी, क्या एक दो लड्डू मैं और पूनम भी ले लें? देखकर खाने का बड़ा मन हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये लड्डू मैंने तुम दोनों काली कलूटन के लिए नहीं बनाया। मगर माँ जी, आपकी तीनों बहू के साथ हम भी तो माँ बनने वाली हैं, हमारा भी ये पहला बच्चा है। मगर आप अपनी गोरी बहुओं के पहले बच्चे पर सारा प्यार लुटा रही हैं। हमारे माँ बाप ने आपको दहेज क्या नहीं दिया, आप हमारे साथ इतना फर्क कर रही हैं, इतनी लालची कैसे हो सकती हैं आप? ओहो हो, दिव्या स्वाति, तुम दोनों ने सुना इसने क्या कहा? सौदामिनी बौखलाकर पूनम को थप्पड़ मार देती है। दो कौड़ी की काली कलूटी, औकात एक पैसे की नहीं, और मुझसे जुबान चलाएगी। आइंदा अगर मुझसे जुबान लड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठंड के चलते एक दिन बबीता बेहोश हो जाती है। बबीता दीदी आंखें खोलो, माँ जी देखिए ना, बबीता दीदी बेहोश होकर गिर गई हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। मम्मी जी अभी कहीं नहीं जाएंगी, वो हमें मूंगफली खिला रही हैं। अरे मेरी काली बहू, मैया तुम्हें आई है क्या, इतना क्यों मुंह फाड़ रही है? तेरी काली बहन को होश में ही तो लाना है ना, उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर बिल फड़वाने की क्या जरूरत है? सौदामिनी जग भर कर ठंडा पानी बबीता पर डाल देती है। बबीता ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। अले ले, देखो तो मेरी काली बहू को ठंड लग रही है। बबीता दीदी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर बबीता का चेकअप करके कहती है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इनके अंदर दो बच्चे हैं, इन्हें अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा। इन्हें निमोनिया है, इनका ध्यान रखिए, ये दवाई इन्हें देनी है। इतने के बाद भी सौदामिनी उनसे खूब काम करवाती है। कई बार घर में ठंडे पानी से पोछा लगवाती, बर्तन मंजवाती। अब पांचों को नौवा महीना लग जाता है। फिर एक दिन, सासू माँ ये देखिए सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है और यहाँ पतीला भर के गर्म पानी किया जा रहा है। क्यों री मेरी काली बहू, ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? माँ जी, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ पांव जमने को हो रहा है, इसलिए सर्द होने के लिए कर रही हूँ। प्री फंड का सिलेंडर नहीं आ रहा और इतनी भी ठंड नहीं है, समझी? इसके बाद बबीता ठंडे पानी से नहाती है और स्वाति बाथरूम में जाकर गीजर के गर्म पानी में नहाती है। तभी उसका पैर फिसलने के चलते वह गिर जाती है। आह माँ, मेरा बच्चा! सभी भागे भागे स्वाति को अस्पताल लाते हैं। कुछ देर बाद, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बहू का बच्चा ठीक तो है? जी नहीं, स्वाति जी ने अपना बच्चा खो दिया है। अचानक बबीता को भी दर्द शुरू हो जाता है। कुछ देर में वह जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और सौदामिनी को बुलाती है। माँ जी ये लीजिए, इसे ले जाकर स्वाति के पास रख दीजिए। मगर बहू, ये तो तेरा बच्चा है। माँ जी, दुनिया में माँ बनने का एहसास सबसे बड़ा होता है, मगर देवरानी जी ने 9 महीने उस एहसास को अपनी कोख में रखकर इस दुनिया में उसके आने का इंतजार किया। मगर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बच्चा नहीं रहा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए अपनी देवरानी की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने कलेजे का एक टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, तुझे हमेशा कोसती रही, मगर आज तूने जो बलिदान दिया है वो बहुत बड़ा है। आखिर में सौदामिनी को अपनी दोनों काली बहुओं की कदर हो जाती है, जिसके बाद से उसकी तीनों गोरी घमंडी बहुओं का बर्ताव भी बदल जाता है।